नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र के बारे में, जो राजनीति में छोटे भाई तेजस्वी यादव से पीछे रह गए। तेज प्रताप यादव का जन्म 16 अप्रैल 1988 में हुआ। इनके माता पिता का नाम राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव है, जो दोनों ही बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तेज प्रताप यादव ने अपनी शिक्षा बिहार नेशनल कॉलेज से की। सन 2015 में जब RJD व JDU का महागठबंधन हुआ, तब तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा क्षेत्र से MLA चुने गए और गठबंधन सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने। 2017 तक स्वास्थ्य मंत्री रहे, जब तक गठबंधन नहीं टूट गया। तेज प्रताप यादव ने मई 2018 में ईश्वर राय से शादी की, जो लालू यादव के करीबी मित्र चंद्रिका राय की बेटी हैं। यहाँ यह भी बताते चलें, ईश्वर राय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय की पुत्री हैं। ईश्वर राय जाति से यादव ही हैं। शादी के 6 महीने बाद तेज प्रताप यादव ने अदालत में ऐश्वर्य राय से तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि दोनों में आपस में नहीं बनती है और दोनों का एक साथ रहना मुश्किल है। ऐश्वर्य राय, जो कि MBA तक पढ़ी हैं, का कहना है तेज प्रताप यादव ड्रग लेते हैं, उनका व उनके परिवार का व्यवहार ठीक नहीं है। मामला अदालत में चल रहा है। इसी बीच तेज प्रताप यादव धार्मिक स्थानों, गौशालाओं में दिखाई दिए। कभी श्री कृष्ण भगवान की ड्रेस में नजर आते हैं तो कभी शिव भगवान की ड्रेस में नजर आते हैं, कभी वृंदावन में नजर आते हैं। जनता का मानना है कि इतने बड़े राजनीतिक परिवार से संबंधित होने के कारण और भूतपूर्व मंत्री व विधायक होने के कारण कुछ सामाजिक मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। सन 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव का सहयोग किया। बीच बीच में छोटे भाई व राजद के बड़े नेताओं से मतभेद की खबरें आती रहती हैं। तेज प्रताप यादव ने छात्र जनशक्ति परिषद का गठन किया व लालू राबड़ी मोर्चा का भी गठन किया। सन 2020 में फिर MLA चुने गए। अगस्त 2022 में फिर गठबंधन की सरकार बनी है। गठबंधन सरकार में तेज प्रताप यादव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, जो लालू के लाल हैं। लालू के लाल होने के कारण बिहार में इनका महत्व बहुत ज़्यादा है, परंतु फिर भी जनता उन्हें उतना गंभीरता से नहीं लेती है। देखते हैं भविष्य में तेज प्रताप यादव राजनीति की कितनी ऊंचाइयों को छूते हैं।